उस दिन अजय भट्ट साहब को काम था, अजय भट्ट मंत्री, तब खड़े उठ गए, मैं नहीं उठा खड़ा, हम पहली लाइन में थे, जैसे बैठे पहली लाइन, हम चाहे कोई नहीं था, आया सब उठ खड़े, मैं नहीं उठा, बैठ दिया था, बोल नहीं पाया कुछ, हाँ बहुत बढ़िया जबरदस्त, बोल नहीं पाया कुछ, कौन है, क्यों उठू खड़ा, इतने चमचे हैं, ऐसे में मिलता हूँ, मैं अध्यापक से मिलना पसंद करता हूँ, व्यवसाय से मिलना पसंद करता हूँ, उनके टाइम से मिलता हूँ। कैसे हैं सर आप? ऑलराइट सर, सबसे पहले बात करते हैं आपकी जर्नी की, कैसी रही आज तक की जर्नी आपकी? सर्विस में मैंने इंटरमीडिएट का पढ़ा, मेरी पत्नी नहीं है, 10-11 साल अब साल मेरे पिताजी की मृत्यु तब हुई थी जब मैं 2 साल का था, मेरा कोई ना भाई ना कोई बहन, ना नाना है ना नानी है, तो मेरा ट्रांसफर फतेहपुर से यहाँ पर सबसे पहले, मुझे यहाँ पर 46 साल जी, मैं 2 साल भूत बंगला रहा हूँ, जहाँ अवसर को लिखा हूँ बंगला, भूत बंगला मैं 2 साल वहाँ रहा हूँ, तब यहाँ से है, तो मैं 1993 से लगातार लिख रहा हूँ, बतौर साहित्यकार कह सकते हैं, साहित्यकार राइटर है, ऑथर कह सकते हैं आप, तो मेरी पहली किताब हिस्ट्री ऑफ तराई वो 95 की नई किताब, हम तो पहली किताब है, उस पर 3-4 लोगों ने डॉक्टरेट डिग्री दे ली, उस किताब पे लोगों ने डॉक्टरेट डिग्री दे ली, पीएचडी करी, यहाँ से लेटेस्ट डिग्री उसने ली है गुरान का प्रिंसिपल ने, लेटेस्ट मेरी पीएचडी उस किताब पर तराई, हिस्ट्री ऑफ तराई पर, तराई का इतिहास लिखने वाला मैं पहला व्यक्ति, तराई मतलब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं आप? तराई, ये वाली तराई, अच्छा इधर वाला ये वाली तराई, तराई तो नेपाल में भी है जी, वो दूर तक है, गोरखपुर तो तराई है, पर यहाँ के तराई का इतिहास देखने वाला मैं पहला व्यक्ति, उसके बाद मैंने यहाँ के औद्योगिक विकास की कहानी लिखी है, उसके बाद उत्तराखंड पत्रकारिता का इतिहास किताब लिखी है, किताब गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी में सिलेबस में, उस सिलेबस में BA में पढ़ाई जाती थी, प्रिंट मीडिया में, और बड़ी लंबी कहानी आती है। पहली जब आपने किताब लिखी, हाँ, या पहली बार जब लेखन में आ पाए, तो ऐसा क्या जहन में आया कि कहाँ से लेखनी में आया? मैंने 55-56-57 में देहरादून में पत्रकारिता में रहा जी, कौन से अखबार में? स्वतंत्र नेपाली भाषा का अखबार, स्वतंत्र नेपाली, स्वतंत्र नेपाली, वो नेपाली भाषा का था, अरे उसके साथ साथ है नॉर्दर्न स्टार अंग्रेजी का, नॉर्दर्न स्टार, उन दोनों अखबारों का मैं सब एडिटर था, 3 साल रहा, तो तब से मुझे लेखन की रुचि आ गई, उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने फ्रीलांसिंग कर, पत्रकार का फ्रीलांसिंग कर, अरे कभी कभी पेट्रोट अखबार ही दिल्ली पेट्रोट पेट्रोट देश वक्त है, कभी कभी उसके लिए सफर को नगर टाइम ले लेता, बाकी मैं फ्रीलांसिंग, मैंने 13 साल यहाँ पर एक अपना अखबार निकाला, 13 साल, 13 साल आपका खुद का अखबार था? खुद का अखबार, साप्ताहिक अखबार, यह मेरे का कॉपी, क्या नाम? आभार भूमि, आभार 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 के बाद 13 साल हुआ, उस पर अखबार बंद करके तब मैंने लेखन में आ गया, तब लेखन में आ गया, अब वो मेरे करीबन 20-22 किताबें सब वहीं कुछ खबरें आ रही जा रही है, पूरा हुआ, और मैं किसी एक विषय से नहीं बना, वो मैंने धर्म पे भी लिखा तो आजादी पे भी लिखा, इतिहास पे भी लिखा, सांस्कृतिक कल्चर पे भी लिखा, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर पे भी लिखा, जीरो का इतिहास लिखने वाला मैं पहला लिखती हूँ, मैं हिंदुस्तान का शायद पहला आदमी हूँ, उत्तराखंड का मैं हूँ ही, शायद उत्तराखंड हिंदुस्तान का भी हूँगा जिसने अपने वंश के 500 साल के वंश आवड़े गए, 500 साल के वंश लोगों को अपने परदादा नाम और दादा का नाम और लोगों लोगों को अपने दादा का नाम मालूम नहीं है, बिल्कुल सही है, मैंने 500 साल के बंधावली किताबें मेरे पास 500 साल के बंधा, ट्रांसजेंडर का इतिहास लिखने वाला मैं पहला व्यक्ति, मैं पहला आदमी हूँ नॉन पुलिस पर्सन जिसने की हिस्ट्री ऑफ इंडियन पुलिस लिखी है,
जी हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो एकेडमिक भी जहाँ स्कूल हैं पुलिस के जी वहाँ पढ़ाई जाती है वहाँ देखो मैं पहला आदमी हूँ जिसने ये लिखा है कि जीवन से पहले मृत्यु के बाद क्या होता है धर्म अध्यात्म का। मैं पहला आदमी हूँ जिसने धर्म का पोस्टमार्टम किताब लिखी है धर्म का पोस्टमार्टम तो हर सब्जेक्ट मिला लिखा हर सब्जेक्ट लोग एक जमाना था जो गढ़वाल के लोग गढ़वाल का गाना गाते थे वहाँ के लोग उनका इतिहास उनका भूगोल कल्चर उन्हीं का पढ़ते कुमाऊँ वाला कुमाऊँ का गाना गाते तो रीजन थे अलग लैंग्वेज रिमिक सब थे। मैं पहला आदमी हूँ जिससे उत्तराखंड की विभूतियाँ लिखी गढ़वाल कुमाऊँ इकट्ठा 1000 साल करीब 500 पेज की किताब है मेरे पास कॉपीज की। मैं पहला गढ़वाल कुमाऊँ पर जिसने इकट्ठा ही लिखा 1000 साल का विभूतियों कलश कलश निकल तब तक कुमाऊँ के बाद कुमाऊँ वाले बोलते थे गढ़वाल के बाद गढ़वाल वाले बोलते थे अपना अपना गाना गाते थे तो लोगों ने बड़ी पसंद की तारीफ करी लोगों ने काफ़ी कुछ बोला कई बार प्रयास किया बड़ी खोज क्या उसकी मेरी किताबों से इस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी भाई बाबा भैया लिखित में क्वेश्चन पूछा एक समीक्षा अधिकारी है वर्मा या सितारगंज का संजीव वर्मा मेरे पास बहुत आता बातें जब पी सी एस होगा तब मेरा बैग छूट जाएगा गली बिली हो जाएगा कौन बातें थे उसने बताया मुझे कि आपकी किताब से कई क्वेश्चन पूछ रहे हमने हाँ कुछ मुझे पता है ना मैंने आप पढ़ा है तब मैं भूल रहा हूँ मैं और उसने पढ़ा और पढ़ा तो मिल जाता मैंने कहा क्या है बता दो बोला आपको एक अजीब इन्फॉर्मेशन है दुनिया का एक आदमी पहला आदमी दुनिया अब तक के इतिहास का पहला आदमी उत्तराखंड का जिसने 8 राजाओं को गद्दी पर बैठाया 8 राजाओं 8 राजाओं को कान पकड़े गद्दी से जगा ये सवाल पूछा था कौन है वो कौन सा आदमी था उत्तराखंड का कोई नहीं बता पाया तो मैंने बताया मैंने पढ़ा था आपका हर्षदेव जोशी झाड़गांव अल्मोड़ा और कई सवाल पूछा आपके पास ये तो जर्नी रही कि आपने कैसे लेखन में चालू किया लेकिन लेकिन पत्रकारिता में कैसे आए और पत्रकारिता की आपने खुद और खुद का जब पत्रकार अखबार आपने लॉन्च किया तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं जो आजकल के युवा पीढ़ी आज समस्या जी आप तो समझो अब 12 महीने जानते क्या क्या समस्या है हमारे सामने कुछ समस्याएं लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया एक अपना रिस्पेक्ट पे करा तब यहाँ दो अखबार छापे यहाँ एक मेरा था एक और अखबार वो बेचार मर गया अखबार बंद हो गया है तो तब नहीं था ऐसा तो छुछरे पर छुकरे लोग जो 8-8, 7-8 दर्जा पढ़ पढ़ के लिए हैं और बन चुके हाई फाई पत्रकार वही हो गई टी वी हरा चलन था ये तो कुछ नहीं था तब प्रिंट मीडिया था हाथ से लिखते थे हाथ से तब कंप्यूटर भी नहीं था मैंने अभी पहली किताब जो मैंने बरेली टाइप करवाई थी कंप्यूटर पहली किताब तब तक कंप्यूटर नहीं था कंप्यूटर टाइप पुराने तब तो ऐसे था मेरा अखबार ऐसे नहीं बता पुराने जमाने प्रेस का तब मेरा मतलब पूरा ही चेंज हो गया ना अब तो पूरी चीज़ें परिवर्तन चेंज हो गया यहाँ तक के लोगों का ख्याल तो में विचारों में संबंधों में नॉलेज में नॉलेज में भी और जो लोग फ्री पब्लिसिटी चाहते हैं काम धाम कुछ नहीं करें बिल्कुल बिल्कुल चीफ पब्लिसिटी सस्ती लोकप्रियता आज का दौर है उसमें नेता भी शामिल हैं कुछ ऐसा कर दो कि बस वाह ही हो जाए बाबा हमारी वाह है अखबार में छापे मेरा फोटो छापे कुछ नहीं मेरे पास आप कई लोग आते हैं मुझे ठीक है बुलाते हैं उस दिन अजय भट्ट साहब प्रोग्राम था अजय भट्ट मंत्री सब खड़े उठ गए मैंने उठा खड़ा हम पहली लाइन में थे जैसे बैठे पहली लाइन हम चाहे कोई नहीं था आया सब उठ खड़े मैंने उठा और मैं देखा बोल नहीं पाया कुछ हाँ बहुत बढ़िया जबरदस्त बोल नहीं पाया कुछ देखा बार बार बहुत रिपोर्ट कौन है मैं क्यों उठूँ खड़ा इतने चमचे हैं मैं ऐसे में लेता हूँ मैं अध्यापक से मिलना पसंद करता हूँ व्यवसाय से मिलना पसंद करता हूँ नेताओं से मिलना पसंद नेचर होती है अपना स्वभाव होता कोई जरूरी नहीं है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ अपनी तरफ से मैं सही हूँ। सर आप कह रहे हैं कि मैं वो जानकारी देता हूँ कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बैठे हुए थे तो आपने एक बात बताई कि जो जानकारी रिसर्च में है वो तो रिसर्च में है
आप उसको भी कह रहे थे कि उसमें भी झूठा है, धूमिल है, जो भी कह रहा। और मैं तथ्य के साथ, हिस्टोरिकल के साथ हिस्ट्री पूरा क्रिएट करके फिर बताता हूँ कि ये तथ्य है और ये सच है। तो ये जानकारी आप तक कैसे पहुँचती है? आप क्या पढ़ रहे हैं या आप कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर एक मिथोलॉजिकल कथाएं हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में परमा विष्णु महेश के बारे में, सब परमा विष्णु महेश त्रिदेव अंग्रेजी कहते हैं ट्रिनिटी, तो पूजा करते हैं। कहीं ऐसा लिखा नहीं मिला, कहीं नहीं मिलेगा। इनके माँ बाप कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनके माता पिता कौन थे, इनका जन्म कहाँ था, और भगवान की कौन सी क्वालिटी थी इनमें कि हमने इनको भगवान बना दिया, ये भगवान बने। सही है, क्या क्वालिटी थी हमसे हटके, हम तो कॉमन आदमी हो गए। सही बात है, वो भगवान हो गए। ऐसा क्यों? डिवाइन पावर हो गई, क्या क्वालिटी थी? ऐसा कहीं नहीं, मैं पूजा करूँगी, क्यों करो पूजा, कुछ बताओ सही। तो हमने लिखा है वर्मा नॉर्थ ईस्ट का किंग था, नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर असम साइड का छोटा मोटा राजा था, विष्णु था सेंट्रल एशिया का, केले का व्यापारी, केला जब विष्णु यहाँ आए केले खेते तब भैया, जब विष्णु यहाँ आया तब केले की खेती, उससे पहले केला नहीं होता था यहाँ। ये रिसर्च करी हमने, एक एक चीज़ कर, एक चीज़ कर, हिंदुस्तान का नाम जो पढ़ाया जा रहा गलत है, भारत भारत एक जाति समूह था उस वक्त, महाभारत काल में इसका उल्लेख है, महाभारत में इसका स्पष्ट उल्लेख है, भारत जाति समूह था, जाति समूह जैसे बने साहब गंगवार बहुत होते हैं, होते नहीं होते, या कुमाऊं में पंत पांडे जोशी बहुत होते हैं, होते नहीं होते, बिल्कुल सही है। तब भरतों का एक जाति समूह था बहुत बड़ा, उनके नाम से तभी भरत से भारत पढ़ा, यह कहीं नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया क्या जाता, संकुतलाल दुष्यंत के बेटे भरत के नाम से, सही है, ये पढ़ाया जाता है, बिल्कुल। तो हमने कहा था ये लिखा, ये तो ये है लिखा, रामायण महाभारत में लिखा हुआ, महाभारत में लिखा हुआ। सर आपने 25-26 किताबें आज तक आपकी पब्लिश, नहीं 22 किताबें मान लेते हैं, 22 किताबें आपकी पब्लिक हो चुकी हैं, और आपकी उम्र 84-85 साल, 87 चल रहा है आज की तारीख, 87 साल है आपके कहने पर मान लेते हैं 87 साल है, और लगभग 22 किताबें आपकी पब्लिक हो चुकी हैं। लोगों को अपनी पूरी जिंदगी में आजकल के जो लेखक हो रहे हैं उनको मैं देख रहा हूँ, अपनी एक किताब पब्लिक करने में ही इतना जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है, आपकी 22 किताबें पब्लिश हो गई, तो ऐसा क्यों होता होगा? कोऑपरेट करना, यानी पंजाब पंजाबी पंजाबी की किताब लिखी थी, मूल किताब ले जाना मुझे, ठीक है, जिस पर मैंने लिखा है पंजाबी पर, नरेंद्र मोदी आए यहाँ दो किताबें ले गए, और किताब की खूब तारीफ करके भी धन्यवाद दे गए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की बात। हाँ, मैं पहला आदमी उत्तराखंड का राइटर हूँ जिसके मंच पर नरेंद्र मोदी किताब जो किताब ले गए, मेरे फोटो है और मुझे बधाई दिए गए, मैं उत्तराखंड का पहला लेखक हूँ। उस किताब में आपने इतनी बेबाकी से लिखा है कि हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए नेहरू गांधी जिम्मेदार है, सिर्फ गांधी नेहरू जिम्मेदार है, वो कैसे, एक ही कारण थी, पॉइंट टू पॉइंट अपनी चीज़ों को इसलिए जिम्मेदार हैं, इनको आज भी फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 12 लाख लोग मरवाए, इन्होंने बेघर करवाए, इन्होंने गांधी के नेहरू की पॉलिसी ने देश के टुकड़े करवाए, 12 लाख को मरवाया, बेघर करवाया और तबाह कहा, इनको आज भी फांसी, लिखा है किताब। सर मैं फिर अगेन वही कहूँगा कि आपकी 22 किताबें पब्लिश हो गई, बाकियों की एक भी नहीं हो पा रही, वजह क्या हो रही है? नहीं, हमको पब्लिक सपोर्ट मिला है। अच्छा, हाँ पब्लिक सपोर्ट मिला, रोज बिल्कुल पैसा दिया, तो कमर्शलाइज है आपकी बुकें बिक रही हैं मार्केट में। अब तो लॉकडाउन से काफ़ी फर्क पड़ गया है, तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी फर्क पड़ गया है, तो जो वो बिकती उसकी रॉयल्टी मनी तो आपको आती है? कैश में कैश दे, पहले तो मैं 2-4 किताबें छोड़ कर मैं खुद मार्केटिंग करता था, मैं खुद ही संपर्क में मेरे, अब हमने एक हमारे डीलर हैं दिल्ली में भी हैं और एक देहरादून में भी हैं, उनको भेज देता हूँ, वो मुझे दे देते हैं 15-20% की किताब का। तो जो मतलब आप लेखक, फिर मैं किताब लिखता हूँ उन्हीं पैसों से? नहीं, उन पैसों से जो मुझे लिखवाते हैं, जैसे अभी मैं लिखता हूँ बायोग्राफी है, 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये लिख दूँगा, 15-20 दिन पूरा हो जाएगा, 1.5 लाख आपके अकाउंट में जाएंगे, आ गए 1 लाख आ गया, 40-50 हज़ार बाद में आ जाएगा। तो जो आपका खर्चा, जो बेसिकली आप कह रहे हैं फ्रीलांसर बना, तो खर्चे इस चीज़ों से चलते हैं आपके? हाँ, सरकार में दे रही, सरकार से सरकार मुझे कुछ दे रही, 40 हज़ार सरकार,
40,000 रुपये जो नौकरी करी सरकार 23 साल है उसके लिए 40,000 रुपये सरकार देती है मुझे जीवन भर। आप जब 23 साल तक जो आपने नौकरी की उसका जो रिटायरमेंट के बाद तो कुछ पेंशन वहाँ से और कुछ फ्रीलांसिंग के काम से सारी चीज़ें खर्च चल रहा था। कोई दिक्कत अभी बेसिकली आप अकेले आपका कोई घर पर और लोग मेरे दो बेटे हैं दो बहू जी, तीन बेटियाँ, तीन दामाद और 16 नाती होते हैं। 26 वो है, 26 और 27 और इस उम्र में अब संन्यास धारण कर दिया, बैराग आ गया, मेरा कोई नहीं, किसी का नहीं, सबको पढ़ाया लिखाया, सब हाई वेल एजुकेटेड है, सब पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छी नौकरी में, कोई MTech कर, कोई PhD कर, कहीं सब खाते हैं। ये दो कमरे किराए पर है, तीन कमरे छोटे बेटे के पास, दो कमरे मेरे पास है, बड़े बेटे ने हर घर बना रखा है, सब सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। भविष्य की क्या योजनाएं हैं अब आपकी? अब कुछ नहीं, अब क्या अच्छे, अब मेरे तब मरे पता थी बेहतर खराब जीता रहेंगे, वैसे मैं उसका कोई रोग नहीं है, BP नहीं है, शुगर नहीं है, और कोई तकलीफ नहीं है, और न मेरे पास किसी न मेरे पास कोई मर्ज है, न किसी का कर्ज और मर्ज से मैं बहुत दूर। अभी आपने इतनी सारी किताबें लिख दी हैं, लगभग 22 किताबें, तो क्या सरकार के तरफ से या कोई कहीं किसी गवर्नमेंट के संस्था के तरफ कोई प्रोत्साहन वगैरह के लिए कभी अप्रोच किया गया, बुलाया गया? छोटा मोटा आवाज देते हैं, अभी कुछ केंद्रीय हिंदी संस्थान ने 1,00,000 रुपये भेजा है जिसे, किसने? केंद्रीय हिंदी संस्थान। अच्छा, पंजाबी किताब पर, पंजाबी हिस्ट्री पर उन्हें भेजा है, छोटा मोटा 10,000 रुपये 20,000 रुपये जा रही है, वो ये कुछ नहीं, आने जाने किराए का, हमारा पेट्रोल गाड़ी का पेट्रोल ड्राइवर हो जाता, कदम जाता हूँ तो मैं होटलों में ठहरता हूँ, होटलों का खाना खर्चा है, वहाँ पर जाता हूँ खान दे रहता है, ये नहीं कहती जगह नहीं आता हूँ, होटल में लाऊंगा, होटल में खाना खाऊँ, होटल जम किराए में होटल किराए कुछ जितना मिलता है वो खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, या खर्चा चल जाता है कुछ, कोई दिक्कत नहीं, 500-600 रुपये ड्राइवर को देता हूँ, खाना बना देता हूँ, ड्राइवर को उतर जाता है, पेट्रोल लग जाता है, यहाँ पर भी मैं आता जाता हूँ, मेरे पास आते जाते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, आपने अपनी जर्नी बताई, अपने बारे में बताया, अपने किताबों के बारे में बताया सारी चीज़ की। ये सर मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, इसमें जो दर्शक हैं वो एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, चाहे राइटर हो, एक्टर हो, लेखक हो, ये सारी चीज़ें, तो उनके दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? अखबार, मैगजीन, पत्रिकाएँ, चाहे लोकल हो जो साप्ताहिक हो, राजनीति केंद्रित, नेताओं की परिक्रमा कर, जी हजूरी कर, उनके हमें हमें ला रहे हैं बिल्कुल, और उनका लक्ष्य तो ये कि हमारी खुश सलामत रहे, अब वोट आए, उनको तो एक लक्ष्य है ना बिल्कुल, और आपका लक्ष्य भी यही है क्या? नहीं, आपका लक्ष्य है समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो कीजिए, परिक्रमा मत कीजिए, सही है, हाथ मत जोड़िए बिल्कुल, निर्भीक होकर के जो भी करना बोलिए, मैंने जो भी देखा आज तक निर्भीक होकर देखा, भगत सिंह कोश्यारी को देखा था मैंने तोड़ता है मेरा मुझे खंड, नारायण तिवारी को मैंने लिखा था, मैंने कहा इनका प्रसाद से बहुत कमजोरी है, इस चपड़ा से लोग प्रकाश नहीं कर सकते, इतने कमजोर प्रसाद में लिखा था, ऐसे कहीं नहीं था, बोल्ड इतना बोल्ड लिखा कि नेहरू गांधी आज फांसी दो, लिखो दस व्यक्ति परिक्रमा क्यों कोटी किसी, सही है। तो हमारा कहने का मतलब यह है समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, छिपी है, गुदरी के लाल जिन्हें बोलते हैं, गुदरी लाल बिल्कुल, गुदरी के लालों को खोजो, जो उनको आगे मंच दो, प्लेटफॉर्म दो, ताकि उनकी प्रतिभा में कुछ चमक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मेहरा हो, और चाहे वो राइटर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे म्यूजिक, कुछ भी हो, किसी को फील्ड लगा दो, किसी भी फील्ड है, अब ये नहीं है कि और इन्हें लेवल पर नहीं है मान लिया जी, तो जिला लेवल का तो है, शहर के लेवल का तो है वो, सही बात है। अब आप कहेंगे साहब आपने इंडिया में इसको परफॉर्मेंस किया, तो वो तो इंडिया की बात अलग है ना, अपने शहर का नाम रोशन किया है जी जी, हैं आप ऐसे प्रतिभाओं को आगे लाइए, उनका उत्साहवर्धन होगा, उनकी देखा देखिए तब और लोग चाहेंगे इस लाइन चले हम बिल्कुल सही है, वो और लोग देखा देखते चाहेंगे ना, अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, ला रहे हैं, पर इसमें अनावश्यक लोगों को
राजनीतिक नेताओं को, दलालों को, चारधारी लोगों को, जिनका नाम नहीं बदनाम है, जो लोग उनको मत लाइए। बिल्कुल सही, मत लाइएगा, उसको आपका नुकसान होगा। बिल्कुल सही, ऐसे चोरों चोंगों को अपना दूसरों का ऐसे अच्छा काम पर आ रहा है, अच्छे काम करता रहिए और भी प्रतिभाओं को आगे लाने में पीछे मत। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमारा मेन मोटो वही है कि हम जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको अपने मंच के द्वारा उनको एक मंच दें ताकि वो लोगों से कनेक्ट कर सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे शक्ति प्रसाद सकलाई सर, गवर्नमेंट जॉब किए हैं, उसके बाद अखबार से जुड़े, एक बेहतरीन पत्रकार रहे, खुद का अखबार लॉन्च किया, उसके बाद लगभग 22 किताबें अब तक लिख चुके हैं, इनकी किताबों पर भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, और अब एक 87 वर्ष की उम्र में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, लोगों का जीवन क्या लिखते हैं आप, बायोपिक लिखते हैं, तो इस तरीके से सर का जीवन चल रहा है। तो मिलेंगे सर फिर किसी नए शख्सियत के साथ, जब तक के लिए सी यू सर, जस्ट अभी।